नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बुधवार से सभी तरह की दुकानें खोलने का विरोध किया है। इस सिलसिले में नगर विधायक ने मोबाइल फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और दुकान खोलने पर आपत्ति जताया। नगर विधायक का कहना है कि गोरखपुर में एक भी मरीज नहीं थे तो खूब सख्ती की गई थी, अब 60 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, 5 की मौत हो चुकी है, ऐसे में सभी बाजार व दुकानों का खोलना उचित नहीं होगा। जब तक सारे प्रवासी मजदूर वापस ना आ जाए तब तक दुकानें बंद रखी जानी चाहिए। आपको बता दें कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन और महापौर सीताराम जायसवाल सहित कई व्यापारिक संगठनों से वार्ता के बाद जिला प्रशासन ने रोस्टर के हिसाब से अलग अलग दिन सभी तरह की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, देखिए जब इस शहर में एक भी मजदूर नहीं आए थे और कोरोना के 0 केस थे, तब इस शहर में 100% लॉकडाउन था और गोरखपुर कोरोना से मुकाबले में पूरी तरह सफल था। फिर मजदूरों का आना शुरू हुआ, मजदूरों का अधिकार है कि वो घर पर लौट के आए और सरकार ने एक अच्छा काम किया था, उनको लाने का काम किया था, हम उसका उससे हमारी असहमति भी नहीं है। लेकिन मजदूरों के आने के साथ साथ जो दूसरी चीज आई वो कोरोना की बीमारी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने बयान में कहा है कि मुंबई के आने वाले 75% मजदूर कोरोना लेके आते हैं, दिल्ली से आने वाले 50% मजदूर कोरोना लेके आते हैं, अन्य क्षेत्रों से आने वाले 25% लोग कोरोना लेकर के आते हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग, उनका अपना अधिकार है जिसके नाते वो अपने गृह प्रदेशों में वापस आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चारों ओर संक्रमण फैल रहा है। आज गोरखपुर नगर के 7 हिस्से ऐसे हैं, नित्याता है, मोहद्दीपुर है, रफी अहमद किदवई है, मॉन्टेसरी गली है, जिसुनपुरवा है, झारखंडी है, झरना टोला है, रसूलपुर है, तिवारीपुर है, इतने सारे इलाके आज हॉट जोन घोषित हो गए और 500 मीटर के इलाके को सील कर दिया गया। ये सब कुछ पिछले 10-15 दिनों से हुआ है जब मजदूर आना शुरू किए। अब समस्या इस बात की है कि अगर इसी प्रकार से गोरखपुर हॉट जोन में घोषित होता रहा तो धीमे धीमे मुझे लगता है कि इसी गति से 15-20 दिन में पूरा शहर ही सील हो जाएगा। इस प्रगति को रोकना होगा, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की बात की है कि जितने भी मजदूरों को गोरखपुर लाना हो ला लिया जाए, नियमानुसार उनको क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजना हो या उनके होम क्वारंटाइन करने हो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। और एक बार जब ये तय हो जाए कि अब बाहर से मजदूर नहीं आएंगे तो लोग गोरखपुर के सुनिश्चित होकर के कि बीमारी अब नहीं बढ़ेगी वो अपनी अपनी दुकानों को खोलना शुरू करें, क्योंकि दुकानदार तो दुकान खोल लेंगे। 80% कोरोना के मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास कोई लक्षण नहीं होता बीमारी का। अब अगर कोई व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है कि उसको बीमार है और वास्तव में उसको कोरोना है, अगर किसी दुकान पर सामान लेने जाता है, उसके सेल्समैन को कोरोना हो जाता है, दुकानदार को कोरोना हो जाता है, तो यह प्रशासन के निर्णय के नाते फैलने वाली बीमारी होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए मैंने इस बात को कहा है कि सारे क्वारंटाइन सारे प्रवासी मजदूरों को आप एक एक दिन में 24-24 ट्रेनें आ रही हैं, आप उनको 50 कर लीजिए, जितने भी ट्रेनों से जितने भी मजदूर आपको लाने हो एक हफ्ता 10 दिन में ला लीजिए, उनको होम क्वारंटाइन कर दीजिए, उसके बाद गोरखपुर सुरक्षित हो जाएगा। आप बाजार, दुकान, होटल, स्कूल सब खोलिए, किसी को इतराज नहीं है। लेकिन जब तक कोरोना के संक्रमित मजदूर गोरखपुर में आ रहे हैं और बिना किसी लक्षण के एसिम्प्टोमेटिक होकर के शहर में घूम रहे हैं, तब तक बीमारी के कारण को भी लाना और सड़क पर पूरी तरह भीड़ भी बढ़ा देना, यह दोनों शायद उतना उचित नहीं है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया आपको? माननीय मुख्यमंत्री, जैसे हम उनको फोन कर रहे हैं वैसे बहुत से लोग फोन कर रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री का काम हर मिलने वाली सूचना पर आश्वासन देना या निर्णय देना नहीं है,
माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है कि वो सारी सूचनाओं को एकत्र करेंगे और व्यापक जनहित में जो उनको उचित समझ में आएगा वो उसका निर्णय लेंगे। ये कैसे संभव है कि हमने जो मुख्यमंत्री से कहा बस हमने सही कहा और इसलिए मुख्यमंत्री तुरंत उसको मान गए। उनके पास सूचनाओं के राधा मोहन अग्रवाल के अलावा अन्य और भी बहुत सारे स्रोत होंगे, उन सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके वो समग्रता में निर्णय लेंगे, यह किसी भी मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है। तो जो उनको उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाम में हमने अपनी बातें वहां तक पहुंचा दी है, क्योंकि हमारे नागरिक लगातार इस बात का डर व्यक्त कर रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब मरीज नहीं था तो लॉकडाउन 100% था, आज मरीज 60 हो गए, आज मजदूर संक्रमित लगातार आते जा रहे हैं और हम बाजार खोलने पर उतारू हो गए। ये दोनों चीजें तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं नजर आती है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से कह दिया है, हमारा काम कहना है, निर्णय लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद जो उचित होगा वो लेंगे।